बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के पांचवी नस्ल के लड़ाका त्यारे ने अपना पहला और इब्तदाई टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन तब तुर्की की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के अपने पहले टेस्ट के दौरान ली गई सिर्फ तस्वीरें ही दुनिया के साथ शेयर की गई थी। लेकिन अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कामयाबी असल में क्या होती है और तुर्की जिस लगन से अपने पांचवी नस्ल के लड़ाका त्यारे को बनाने में मसरूफ है। इसके इब्तदाई टेस्ट के बाद तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रियल के इंजीनियर्स के चेहरों पर वो खुशी नुमाया तौर पर देखी जा सकती है। तुर्की के इस एयरक्राफ्ट ने अभी हाल ही में अपनी ताकत के तहत रनवे पर टैक्सी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। ये बात काबिले जिक्र है कि तुर्की के इस एयरक्राफ्ट में अमेरिकन साख्ता जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं जो कि F-110 है। तुर्की के इस एयरक्राफ्ट ने कामयाबी के साथ जो अपना पहला टेस्ट मुकम्मल किया है, इसका ये वाज़े सबूत भी है कि इन इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल कंफर्टेबल है और यही इंजन आने वाले सालों में इसी एयरक्राफ्ट की बुनियादी इंजन होंगे। तुर्की ने अगरचे 2010 में पांचवी नस्ल के लड़ाका त्यारे के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा ताखिर से शुरू किया था, लेकिन जब 2019 में तुर्की F-35 अमेरिकन पांचवी नस्ल के लड़ाका त्यारे के प्रोग्राम से बाहर निकला, इसके बाद EFX प्रोग्राम में हैरत अंगेज तेजी देखी गई और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ ये एयरक्राफ्ट अपनी तकमील के मनाजिल तय करता दिखाई दिया। जहां पर तुर्की के इस एयरक्राफ्ट ने कामयाबी के साथ टैक्सी टेस्ट मुकम्मल किया है, वहीं पर पाकिस्तान के लिए भी इस एयरक्राफ्ट के हवाले से एक बुरी खबर है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में अमेरिकन साख्ता जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ इंजन लगा हुआ है, इसलिए अमेरिका तुर्की को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि इन इंजन के साथ इस एयरक्राफ्ट को बिना अमेरिका की मर्जी के किसी दूसरे मुल्क को फरोख किया जाए। इससे पहले तुर्की साख्ता अटैक हेलीकॉप्टर भी अमेरिकन इंजन के साथ पाकिस्तान को फराहम करने से इनकार किया गया था और अभी तक ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए। इसलिए अगर वाकई ही जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 इंजन इसी एयरक्राफ्ट में मुस्तकबिल में लगाया जाता है तो फिर बाद में अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम में शामिल होना भी चाहे तो इन इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को कभी नहीं मिल सकते। लेकिन इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि तुर्किश एयरक्राफ्ट ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। इसकी पहली वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है और TAIJ इंजन और साइंटिस्ट के चेहरों पर इस पहली कामयाबी के तासरात को बआसानी देखा जा सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।